हेलो फ्रेंड्स, कुक विद सुचिता में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ न्यू ईयर के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल मीठा। तो आप देख के सोच रहे होंगे कि ये है हमारी रसमलाई। तो मैं आपको बता दूँ कि ये रसमलाई बिल्कुल भी नहीं है, ये है हमारे बिहार और बंगाल की फेमस दूध पिट्ठी, जो कि हमने बनाई है चावल के आटे से और इसके बीच में हमने की है स्टफिंग। तो अब इसको बनाया कैसे जाता है और स्टफिंग हम लोग किस चीज़ की करते हैं, उसको जानने के लिए तो आपको भाई ये वीडियो पूरा देखना होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बताती हूँ कि ये स्पेशल दूध पिट्ठी हम लोग किस तरीके से बनाएंगे। तो उसके लिए हमें किस सामान की ज़रूरत होगी, तो सबसे पहले मैं वो आपको बता देती हूँ। तो इसके लिए लिया है हमने 1 लीटर दूध, और ये लिया है चावल का आटा, और इसको मीठा बनाने के लिए हम लोग ने लिया है यहाँ पे पाउडर शुगर। तो पाउडर शुगर हम लोग ले रहे हैं स्टफिंग के लिए, दूध में डालने के लिए हम लोग नॉर्मल शुगर का इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ ही मैंने लिया है यहाँ पे मावा, तो ये मेरा होममेड मावा है, आप चाहे तो मार्केट का मावा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ हमें लिया है कुछ ड्राई फ्रूट्स में मैंने किशमिश, काजू और बादाम लिया है, और उसके साथ थोड़ा फ्लेवरिंग के लिए इलायची पाउडर लिया है। तो सबसे पहले दूध पिट्ठी का डो बना के तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए एक बर्तन में हम लोग लेंगे पानी, तो यहाँ जितने अमाउंट में हमने चावल का आटा लिया है उतने ही अमाउंट में हम इसमें पानी को बॉयल करेंगे। और जब पानी अच्छे से बॉयल हो जाएगा तब हम लोग इसमें डालेंगे चावल का आटा, और इसको बिल्कुल धीमी आंच में इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चावल के आटे को जब भी हम लोग गूंथते हैं तो हम लोग गर्म पानी का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि चावल में एक लस होता है जो कि गर्म पानी में ही उसका अच्छे से उभर के आता है। अगर ठंडा पानी डालेंगे तो वो लस नहीं पकड़ेगा। तो इसको अब हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और जब ये हल्का सा ठंडा हो जाए, इट मीन्स छूने लायक हो जाए, तब हम लोग डालेंगे इसमें थोड़ा सा घी और इसको इसमें अच्छे से मैश कर देते हैं। और इसका हमको बहुत ही सॉफ्ट सा एक डो बना के तैयार करना है। तो याद रखिएगा कि जो डो है वो हमारा बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। अगर हमारा डो सॉफ्ट नहीं होगा तो जो हम लोग इसकी पिट्ठी बनाएंगे वो टूटेगी और उतनी अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए डो का सॉफ्ट होना बहुत ज़रूरी है। डो तो बन गया, 5 मिनट के लिए इसको रेस्ट होने के लिए रख देते हैं, तब तक हम लोग स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो ये होममेड मावा है इसलिए इसको हमको भूनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रेडीमेड मावा ले रहे हैं तो उसको हल्का सा गैस पे भूंज लीजिएगा। तो इसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे पाउडर शुगर और ड्राई फ्रूट्स, और जो इलायची पाउडर लिया है उसको हम लोग इसमें डाल के इसको इसमें अच्छे से मिक्स कर देते हैं। आप देख रहे हैं कि हम लोग कितने अच्छे से इसको मिक्स कर रहे हैं, ताकि मावा, ड्राई फ्रूट्स और चीनी है वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। ये तो अच्छे से मिक्स हो गया है, अब जो ये दूध है इसको हम लोग बॉयल होने के लिए चढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे धीमी आंच में हम लोग इसको बॉयल होने रखते हैं, और तब तक हम लोग इसकी पिट्ठी तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हमको बनाना होगा चावल के आटे की छोटी छोटी सी बॉल्स, जिसको हम लोग पिट्ठी के आकार में गूंथ सकें। तो इस तरीके से हमने ये छोटी छोटी बॉल्स ली हैं। आप छोटी बड़ी किसी भी साइज़ की बॉल ले सकते हैं, मगर यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ की बॉल ली है क्योंकि इसको बनाने में आसानी होती है। तो इस तरीके से अच्छे से इसको मसल लेंगे, ताकि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और ऊपर से एकदम चिकनी बन के तैयार हो। चाहें तो हाथ में थोड़ा सा घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से जैसे हम लोग आलू को पराठा बनाने के लिए हम लोग उसके लिए आटे की कटोरी बनाते हैं, सेम उसी तरीके से हमको चावल के आटे की भी कटोरी बनानी है। बट इसमें इसको हम लोग को थोड़ा पतला करना है। तो जैसे आप देख रहे हैं जो कटोरी वो हमें कितनी पतली बन के तैयार हुई, इसके बीच में हमने थोड़ी सी स्टफिंग भरी, और बहुत ही सावधानी से इसको हम लोग हल्का सा प्रेस करके दबा देंगे। तो इस तरीके से इसको फिर गोल कर लेते हैं। तो आपने देखा कि ये एक पिट्ठी हमारी बन के तैयार हो गई है। तो चलिए मैं एक और आपको बताती हूँ, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले लोई को अच्छे से हम लोग रोल करेंगे, और इस तरीके से दोनों हाथों से हम लोग एक छोटी सी
कटोरी इसकी बना लेंगे। उसके बाद इसमें हम लोग स्टफिंग करेंगे और चारों तरफ से इसको सील करके हम लोग इसकी भी एक बॉल बना के तैयार कर लेंगे। हम दूध को चेक कर लेते हैं, दूध में भी एक उबाल आ गया है और हमारी कुछ पिट्ठी बन के भी तैयार हो गई है। तो दूध में अब हम लोग एक एक करके जो ये पिट्ठी बनी है इसको हम लोग डाल देते हैं। इनिशियल में जो पिट्ठी है वो दूध में नीचे रहेगी, जैसे जैसे हमारा दूध पकेगा जो पिट्ठी है वो आपके ऊपर आती जाएगी। यहाँ पे हमको गैस की फ्लेम को बहुत धीमा करने के हम लोग मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे और जब पिट्ठी ऊपर आ जाएगी तब हम लोग इसको दूध से निकाल लेंगे। अब देख रहे हैं कि जो पिट्ठी है वो ऊपर आ गई है, तब हम लोग इसको दूध से एक बर्तन में निकाल लेते हैं। और अब इसी तरीके से जो हमारा सेकंड बैच बन के तैयार हुआ है उसको भी हम लोग दूध में डाल के उसको भी इसी तरीके से हम लोग पका लेते हैं। तो जितनी भी पिट्टी है वो हमारे दो बैच में इसमें आ गई है। तो अब हम लोग गैस की फ्लेम को तेज करके या मीडियम करके इसको भी हम लोग पका के इसी तरीके से हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये जो पिट्टी है वो तो अब हमारी कम्प्लीटली बन के तैयार हो गई है। तो अब हम लोग जो ये दूध है उसको हम लोग थोड़ा सा गाढ़ा कर लेते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि दूध जो है वो भी पतला है, तो इसी दूध को हमको गाढ़ा करना है। इसको लगातार चलाते हुए हम लोग दूध को गाढ़ा कर लेते हैं और जो ये मावा हमारा बचा हुआ है उसको भी अब हम लोग इसमें डाल देते हैं। इससे जो दूध का टेस्ट है वो और भी अच्छा निखर के आता है। बस इसको चलाते हुए हम लोग दूध को गाढ़ा कर लेते हैं और जब दूध गाढ़ा हो जाएगा तब हम लोग अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डालेंगे चीनी, क्योंकि जो हम लोग ने इसमें मावा डाला है उसमें हम लोग ने ऑलरेडी शुगर थोड़ा सा डाला हुआ था, तो इसकी वजह से हम लोग अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें शुगर को ऐड करेंगे। जब दूध गाढ़ा हो जाएगा तब हम लोग जो दूध पिट्ठी है जो हम लोग ने अलग निकाल के रखी है वो अब हम लोग इसमें एक एक करके ऐड कर देंगे। यहाँ पे जो गैस की फ्लेम है वो मैंने बिल्कुल लो पे रखी है और बस एक बार हम लोग इसको हाई फ्लेम करके इसको उबाल लेते हैं। एक बॉइल आ गया है तो ये हमारी दूध पिट्ठी बनके तैयार है। तो इसको अब हम लोग ठंडा कर लेते हैं और ठंडे में इसको हम लोग गार्निश करेंगे थोड़ा सा पिस्ता के साथ। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको खाने का सही तरीका। जब ये हमारी एक से दो घंटे तक आप इसको ऐसे छोड़ दीजिए और ये जब ठंडा हो जाए तब इसको खाइए, क्योंकि जब इसको ठंडा होने पर खाइएगा तो जो चावल का ऊपर का जो लेयर है उस वो भी आपकी हल्की सी मीठी हो जाएगी। अगर आप इसको गर्मा गर्म खाएंगे तो जो चावल की ऊपर की लेयर है वो आपको फीकी लगेगी। इसलिए इसको एक से दो घंटे इसको इसी तरीके से छोड़ने के बाद ही इसको खाइएगा। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।